एवोल्यूशन ऑफ डोरेमोन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डोरेमोन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मेरा मतलब डोरेमोन डे बाय डे, ईयर बाय ईयर कैसे चेंज होता रहा, उसकी ग्राफिक्स में कैसे बदलाव आते रहे। दोस्तों जैसा कि आप लोग ऊपर वाली पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये 1973 की है, तब डोरेमोन कुछ ऐसा आया करता था, इसके ग्राफिक्स काफी लो थे और अपना नोबिता कुछ ऐसा दिखता था। दोस्तों नोबिता क्या, डोरेमोन के सारे कैरेक्टर कुछ ऐसे दिखते थे पहले। दोस्तों ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये 1980 की है, तब डोरेमोन के ग्राफिक्स थोड़ा हाई किए गए थे, डोरेमोन डे बाय चेंज हो गया था और उस समय के ग्राफिक्स पहले के ग्राफिक्स से थोड़ा अच्छे हो गए थे। दोस्तों अगर आप लोगों ने पुराने एपिसोड या पुरानी मूवीज देखी होंगी डोरेमोन को तो आपको पता होगा। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 1990 पे, तब डोरेमोन के एपिसोड्स काफी ज्यादा अच्छे हो गए थे, ग्राफिक्स में काफी मेंटेन और काफी सुधार किए गए थे। दोस्तों तब जाके डोरेमोन के एपिसोड पहले से ज्यादा अच्छे दिखने लगे। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं ईयर 2000 में, तब डोरेमोन के ग्राफिक्स पहले से बहुत ज्यादा हाई हो गए थे। दोस्तों ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ईयर 2005 की है, तब डोरेमोन के ग्राफिक्स पहले के ग्राफिक्स से काफी हाई हो गए थे और डोरेमोन में क्लियरिटी ही क्लियरिटी आ गई थी। दोस्तों तब डोरेमोन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था 2005। दोस्तों डोरेमोन के कैरेक्टर्स काफी ज्यादा हाई क्वालिटी हो गए थे और इसी ईयर में डोरेमोन इंडिया में आया था। दोस्तों ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये 2010 की है और तब डोरेमोन की ये कोई मूवी आई थी तब की ये फोटो है, तब डोरेमोन के ग्राफिक्स पिछले ग्राफिक्स से और भी ज्यादा अच्छे बना दिए गए थे। दोस्तों ये 2013 की मूवी की, अगर आपने देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा। इसके बाद 2016 में हाई क्वालिटी के हिसाब से कई अच्छी मूवीज डोरेमोन की आई थी और डोरेमोन के एपिसोड पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर बना दिए गए थे और डोरेमोन इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था इस साल। दोस्तों अब हम बात करेंगे 2019 की, तब डोरेमोन के ग्राफिक्स पिछले ग्राफिक्स से हाई हो गए थे क्योंकि डे बाय डे मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजमेंट आते ही रहते हैं, इसलिए डोरेमोन के ग्राफिक्स में काफी चेंज आ चुके थे। दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये 2021 मतलब 2020 और 2021 के बीच की है, अब डोरेमोन के ग्राफिक्स पिछले भी ग्राफिक्स से काफी ज्यादा हाई है क्योंकि डोरेमोन डे बाय डे काफी ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों डोरेमोन एनिमे सीरीज बहुत ही ज्यादा फेमस है, ज्यादातर उसमें मॉडर्न जनरेशन के लिए दिखाया जाता है, हाई क्वालिटीज और हाई गैजेट्स को दिखाते हैं, इसलिए डोरेमोन बहुत ज्यादा फेमस है। दोस्तों ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये 2019 की है। दोस्तों तब डोरेमोन की नई मूवी आई थी स्टैंड बाय मी, ये बहुत ही हाई क्वालिटी 3D क्वालिटी में आई थी दोस्तों, इसलिए इसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। दोस्तों ये पूरा रियलिस्टिक लग रहा था, इसको देखने के लिए काफी पहले से ही लोग बेचैन हो गए थे। कोई भी एनिमे हो उसकी सबसे पहले देखी जाती है उसकी ग्रोथ और उसकी ग्राफिक्स, इसीलिए लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और डोरेमोन की ये मूवी तो बहुत हिट रही है। दोस्तों क्या आपने ये मूवी देखी है, हमें चैट सेक्शन बताना मत भूलिएगा। और दोस्तों ये सफर था 1973 से लेके 2021 तक का। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मैं चैट सेक्शन बताना मत भूलिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं किसी नए वीडियो।